तो कैसे हो यार? अपने T5 का अपडेट आ चुका है, कभी भी T5 आ सकता है हमारे। अभी फ़िलहाल IGG का सर्वर मेंटेनेंस पे है, हो सकता है ये मेंटेनेंस जो है ख़त्म होने के बाद ही T5 आ जाए, हो सकता है कुछ टाइम बाद आए। तो सबसे पहले देखो ये हुआ क्या, अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ है ये। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे T5 के ट्रूप्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। इन्फेंट्री है, कैव एक शेर के ऊपर कैव देख सकते हो, पीछे रेंज देख सकते हो, एंड यहाँ पे सीज देख सकते हो, डबल बैरल टाइप से कुछ। तो मे बी T5 ट्रैप्स भी आएंगे जो कि रिसर्च में हम अनलॉक करने पड़ेंगे हमें T5 ट्रैप्स। और बात की जाए लर्न अबाउट T5 ट्रूप्स, तो हाउ स्ट्रॉन्ग आर T5 ट्रूप्स? तो जैसे कि जानते हैं हम लोग T4 की, एक T4 ट्रूप की माइट होती है 36, वैसे ही T5 एक T5 ट्रूप की माइट होगी 48। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जितना स्ट्रॉन्ग T4 है T3 से, उतना ही स्ट्रॉन्ग अब T5 होगा एक T4 से। तो इस वीडियो में हम देखेंगे, अभी बात करेंगे, मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले ये चार्ट को पहले पूरा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा। तो नीचे आए तो देख सकते हैं हाउ डू आई गेट T5 ट्रूप्स। तो सबसे पहले हमको चाहिए T4 ट्रूप्स और हमको चाहिए ल्यूमिनस गियर। तो हम T4 ट्रूप को कन्वर्ट कर सकते हैं T5 ट्रूप्स में, जिसके लिए हमको पहले T5 अनलॉक करने पड़ेंगे अपनी रिसर्च में। तो अब देखो रिसर्च में यहाँ पे दिक्कत क्या है, मैं बताता हूँ। देखो जैसे कि अभी अब आ रहा फैमिली आर्मी टैलेंट अपडेट आया था, उसमें हमें जब फैमिलियर की रिसर्च करी तो उसमें हमको आर्के टोम लगे जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो अगर इसमें भी अगर आर्के टोम लगे तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत होने वाली है हम फ्री टू प्ले प्लेयर्स के लिए, और नॉर्मल जो प्लेयर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। एंड इसमें कोई ट्रेनिंग टाइम नहीं है, बस हमको ल्यूमिनस गियर चाहिए जिससे कि हम T4 को T5 में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर दिक्कत एक और है यहाँ पे देखो, या तो हो सकता है जैसे कि हमारा मिथिक अपडेट आया था, तो मिथिक अपडेट में सिर्फ हमको ब्रेक थ्रू की रिसर्च करनी थी जिसके बाद में हम फोर्ज कर सकते हैं कोई भी गोल्ड गियर मिथिक में। हो सकता है ये भी सिर्फ एक ही रिसर्च हो, या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पे एक पूरा चार्ट हो जैसे कि फैमिलियर आर्मी टैलेंट का था, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे। तो वैसे कुछ कन्फर्म नहीं है कि इसमें आर के टोम लगेंगे, पर जैसे कि फैमिलियर आर्मी टैलेंट में हमको कोई नोटिस नहीं यहाँ पे बताया नहीं था गया था कि इसमें आर के टोम लगेंगे, तो हो सकता है इसमें भी आर के टोम लगें जो कि बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाएगी अगर ऐसा हुआ तो। एंड देखा जाए तो यार देखो ल्यूमिनस गियर कैसे बनेगा, तो ल्यूमिनस गियर बनाने के लिए हमको पहले चाहिए रिसोर्सेज और चाहिए हमको ल्यूनाइट। तो ल्यूनाइट कहाँ से मिलेगा? ल्यूनाइट के लिए हमको पहले रिसर्च में लूनर फाउंड्री को अनलॉक करना पड़ेगा, फिर इसमें हम ल्यूनाइट बना सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि हम ल्यूनाइट बना सकते हैं प्रोड्यूस फॉर फ्री, पर यहाँ पे टाइम लगेगा, ठीक है? यहाँ पे रिसोर्सेज वगैरह नहीं लगेंगी पर ल्यूनाइट बनाने में टाइम लगेगा। एंड ल्यूनाइट बनाने के बाद में हमको ये ल्यूमिनस गियर बनाना है, फिर हम T5 बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे एक तरीके से T4 से। तो देखो सबसे पहली बात यार, हम सभी जानते हैं कि T4 को अनलॉक करने में कितनी मुश्किल होती है, खास करके एक फ्री टू प्ले प्लेयर को। ऊपर से T4 को अनलॉक करने के बाद में उसको ट्रेन करने में कितनी दिक्कत होती है, प्लस जो हमारे वाउंडेड होते हैं T4 उनको हील करने में कितना रिसोर्सेज लगता है। तो अब T5 में ना जाने कितना लगेगा। एंड सच्ची बताऊँ मेरी नज़र में दिक्कत यहाँ पे किसको आने वाली है, दिक्कत यहाँ पे आएगी सोलो ट्रैप्स को, रैली ट्रैप्स को, एंड जो हम फ्री टू प्ले प्लेयर्स हैं हमको बहुत दिक्कत आने वाली है यहाँ पे, क्योंकि जो टाइटन प्लेयर्स हैं जो कि, या फिर जो पे टू पे प्लेयर्स हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, अपडेट आते ही वो इसको अनलॉक कर लेंगे टाइटन प्लेयर्स। तो एंड दिक्कत बस हमको आएगी जो कि ये गेम को फ्री टू प्ले खेलते हैं। हालांकि यहाँ देख सकते हो वी विल होल्ड लॉट ऑफ एक्साइटिंग इवेंट्स टू हेल्प ऑल लॉर्ड्स व्हेन T5 ट्रूप्स आर रिलीज। तो मतलब यहाँ पे इवेंट्स भी काफ़ी सारे होने वाले हैं अभी, जिससे कि हमको हेल्प मिलेगी T5 अनलॉक करने में, ये सब चीज़ों में इवेंट्स, हमको चैम्प्स वगैरह, रिसोर्सेज, क्या बोलते हैं हमारे गोल्ड हैमर, ट्रेनिंग स्पीड, रिसर्च स्पीड, काफ़ी सारी चीज़ें मिल सकती हैं यहाँ पे चार्ट में हम देख सकते हैं। एंड सच्ची बताऊँ यार मेरी नज़र में, मेरी अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा देखो, क्योंकि जब से फैमिली आर्मी टैलेंट आया है सोलो ट्रैप की लगी हुई है, बहुत ही मुश्किल हो गया है सोलो ट्रैप का, क्योंकि फैमिली अपडेट के आने के बाद से और मिथिक अपडेट के आने बाद से फैमिली आर्मी टैलेंट आने के बाद से जो टाइटन प्लेयर्स हैं वो और भी स्ट्रांग होते जा रहे हैं, और हम अभी भी वो फ्री टू प्ले प्लेयर्स हैं, हम जहाँ पे थे वहीं पे अटके हुए हैं। क्योंकि
हमको सबसे पहले देखो, आरके टोम अगर इस रिसर्च करने में आए यहाँ पे, ये जो क्या बोलते हैं हमारी रिसर्च में T5 अनलॉक करने के लिए, एंड अगर एक रिसर्च नहीं हुई, एक से ज़्यादा रिसर्च हमको करनी पड़ी T5 अनलॉक करने के लिए, तो बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि आरके टोम बहुत ही मुश्किल है, हमको पैक ही परचेज करने पड़ेंगे जहाँ तक मुझे लगता है। पर फ्री में भी कार्गो शिप से भी आरके टोम मिल जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर ये अपडेट के बारे में देखो, एडवांटेज तो मैं यही बोलूँगा, टाइटन्स प्लेयर जो हैं उनको और बढ़िया होगा, उनका और फ़ायदा हुआ है, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इनको बनाने में, वो जैसे अपडेट आएगा उसके तुरंत बाद बना लेंगे। दिक्कत आएगी, डिसएडवांटेज जो है वो है सोलो ट्रैप्स को, रैली ट्रैप्स को, और जो नॉर्मल प्लेयर्स हैं हम जैसे उनको, क्योंकि ये एक तरीके से T4 से डबल के बोल सकते हैं हम, स्ट्रॉन्ग हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो बस यही यार, मतलब और अब आगे क्या होगा ये तो अपडेट आने के बाद ही पता चलेगा, पर मेरी नज़र में अपडेट अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जैसे कि हो सकता है कि इसमें आरके टोम ना लगे, हो सकता है कि इनके रिक्वायरमेंट अलग हो, बनाने में आसान हो बहुत ही ज़्यादा, कुछ कह नहीं सकते, एंड ये तो अब T5 के आने के बाद ही पता चलेगा। तो वैसे देखने में T5 काफ़ी क्या कहते हैं ज़बरदस्त लग रहे हैं, एंड मैं बस यही बोलूँगा यार, अगर तुम कोई सोलो ट्रैप हो या रैली ट्रैप हो, वही कमर कस लो, क्योंकि अब गेम पहले जैसा नहीं रहा, गेम बहुत ही बदल गया है इस अपडेट के आने के बाद से, तो गेम बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, जो गेम का लेवल है वो एक अलग ही हो जाएगा फिर, क्योंकि जो इनका अटैक या डिफेंड करना अभी हमें कुछ पता नहीं है इनका अटैक कैसा होता है, क्योंकि T4 बहुत ही, अगर कंपेयर किया जाए ना T3 T2 T1 से, T4 को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है T4, और एंड अब यहाँ पे हमारे पास, हमारे सामने है T5, तो सोच सकते हो। देखो हम एक बात की जाए, अगर मैं अपनी राय दूँ ना, देखो यार सबसे पहले हम T4 भी अगर ट्रेन करते हैं तो वो एक छोटे से अमाउंट में ट्रेन करवाते हैं, लाइक 500K, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिलियन, ठीक है, नॉर्मल प्लेयर्स। तो T5 को बनाने में हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा बना लेंगे, 200K 300K, बट जो टाइटन्स प्लेयर हैं सोचो वो उनका क्या होगा, वो तो अब ये अपडेट आने के बाद ही तुरंत बना लेंगे। तो अभी कुछ समझ में नहीं आया, हो सकता है इन फ्यूचर, जो कि काफ़ी लोग बोलते भी हैं कि मिथिक हीरो का अपडेट भी आ जाए, अगर IGG में से कोई ये बात, वीडियो मेरी ये बात सुनी तो भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए प्लीज़, क्योंकि अगर मिथिक हीरो का अपडेट आया तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो जिनको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बात कर रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है, ये एक मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से सुना भी है, काफ़ी टाइम से ये बात चल रही है, जैसे कि अभी T5 का अपडेट आ चुका है अब, तो अब हो सकता है, पॉसिबल है ये कि अब जल्दी ही मिथिक हीरो का भी अपडेट आ जाए, जैसे कि जो हमारे हीरो गोल्ड होते हैं वो मिथिक हों, तो ये भी हो सकता है, मिथिक होंगे तो उनका अटैक और ज़्यादा बढ़ेगा, तो ये सोचने वाली बात है। सोचो 11K हीरो वो मिथिक हो जाएंगे, तो सोचो उनका अटैक कितना होगा और हमें डिफेंड करने में कितनी दिक्कत आने वाली है। एंड बस यार, बस इतना यार, बाकी तो अब ये अपडेट आने के बाद ही पता चलेगा, तो देखते हैं यार। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।